चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NCERT कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में, ठीक है, किसके, साइंस के बारे में। इसमें हम लोग 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं अभी तक। सातवां चैप्टर था आपका नियंत्रण एवं समन्वय। आज कक्षा 10वीं की विज्ञान का ही 8वां चैप्टर हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इसे देखते हैं, ठीक है। इससे पहले आपकी कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की जितनी भी क्लासें ली गई हैं अभी तक, सभी NCERT पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई है उसी में डली हुई है, ठीक। तो वहां जाकर आप लोग क्रम से देख सकते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि बड़े ध्यान से धैर्य रखकर आपको सुनना है। लास्ट में इसका जो भी निष्कर्ष होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो उद्देश्य होता है इसको पढ़ने का, वो बता दिया जाता है। तो बीच में आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अगर हड़बड़ाएंगे नहीं आप लोग, बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 बार में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं रहेगा या नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है, ठीक है। जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं, जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण शोषण अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यक्ति या जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। कहने का मतलब है कि आपने जो आपने देखा था अध्याय 6 में, आपने किस तरह से आपने पढ़ा, आपने पोषण के बारे में पढ़ा, शोषण के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, आपने बहुत काफी हद तक बड़ा मजा भी आया होगा आपको अध्याय 6 पढ़ने में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे पैदा करने के लिए, सीधा सा मतलब यही है। इसमें कोई उनके लिए जिंदा रहने के लिए उन्हें जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करना जरूरी है, लेकिन एक संपोषणीय, आप लोगों ने विकास सुना होगा, कहने का संपोषणीय विकास कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखा जाए, उनके लिए भी कुछ संसाधन छोड़ दिए जाए, ठीक है। तो एक बात और, इससे क्या है कि आप सोचिए कि जीव अगर यही करने लगे, हर जीव यही करे कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा, तो आप सोचिए आगे उनकी जो भी पीढ़ियां रहेंगी वो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए भी एक तरह से आप कह सकते हैं जरूरी है। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जन द्वारा अपने सादृश वृष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हम उसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो वृष्टि एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वे समान दिखाई देते हैं, अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। अब देखिए, मानव का बच्चा मानव ही दिखेगा ना आपको, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या जीव पूर्णता अपनी पितृकृति का सृजन करते हैं? विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सादृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए, अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है, यानी कि माँ बाप से आपके बच्चों में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के विभिन्न भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होंगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता देखने को मिलेगी या होगी, ठीक है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए
पितिकृति बनाता है। डीएनए कि प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक भी है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव विक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरे कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं और परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। अब आप ही सोचिए, इसमें आप ही लोग बताइए कि इसमें आपको क्या समझाया जाए। आपको ऐसा लगता है कोई शब्द है जो आपको समझ में ना आ रहा हो? मैं तो सोचता हूं मुझसे बेहतर आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, यदि दो कोशिकाएं यद्यपि एक समान है परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की क्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती हैं। कोई भी जीव जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं आएंगी। परिणाम स्वरूप बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान हो तो होंगी परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी ओक हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी ओक नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्नता का महत्व क्या है, यानी कि क्या जरूरी है। एक तरह से अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान तथा अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल तथा निकेत में कुछ ओग्य परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव हो सकता है, परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ भिन्नताएं होंगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीव रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। कहने का मतलब है सीधा सा कि विभिन्नताएं कई कारणों से एक तरह से महत्वपूर्ण भी है। आप सोचिए कि कोई बीमारी आई, एक तरह से मान लीजिए एक फसल ले लीजिए आप लोग, आपने गेहूं बोई, ठीक है, आपके क्षेत्र में सभी ने गेहूं बोई, कोई रोग आया आपकी गेहूं को चौपट कर गया। सोचिए आप लोग कि उसी में आप लोगों ने बाजरा बो दिया होता, उसी में आपने सरसों बोया होता तो क्या होता? तो कम से कम बच तो जाता। कई बार आप लोग देखते होंगे किसान अगर खेती से जुड़े हुए हो आप, तो क्या किया जाता है कि आपका एक एक आपके लिए छोटी छोटी एक तरह से नालियां टाइप की आपकी क्याही बनाते हैं, क्या कहते हैं, क्याही कह देते हैं उसे। तो उसमें क्या कहते हैं कि एक पहले छोटी सी जगह में क्या करेंगे, एक फसल लगा देंगे, उसमें छोड़ के दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल। इस तरह से क्या रहता है कि अगर अटैक एक मतलब कोई भी जीवाणु कोई भी रोग एक फसल पर अटैक कर रहा है तो उसके बाद दूसरी जो फसल होगी वो सुरक्षित बनी रहेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एक बीमारी सभी फसलों पर काबू हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है,
तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि, क्रियाकलाप 8.1। 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए। एक प्रणाली में इस विलयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। प्रणाली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात प्रणाली से ईस्ट संवर्धन की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का पीछण कीजिए। क्रियाकलाप 8.2 को भी देख लीजिए। डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्तक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह का निरीक्षण कीजिए। अपने एक सप्ताह की पीछण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए। इसमें देखिए क्या करना है आपको, क्रियाकलाप बिल्कुल करते नहीं बैठना है, आप लोगों को पढ़ना है और नीचे जो दिया जाता है इसे जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा अच्छे से, ठीक है? क्योंकि आप क्रियाकलाप करते बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम बेकार जाएगा। ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानने की विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। विखंडन, क्या विखंडन? एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके विच्छेद किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। सीधा सा कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे जीव होते हैं जिन्हें आप 2 भी कर दें काट के तब भी वो जिंदा बने रहते हैं और 2 अलग अलग पार्ट में अलग अलग कहलाने लगते हैं, ठीक है? ये मनुष्य में संभव नहीं है और कोशिश भी मत करना, ठीक है? क्रियाकलाप 8.3 को भी देख लीजिए। अमीबा की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण कीजिए। इसी प्रकार अमीबा की द्विखंडन की स्थायी स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। यहाँ देखिए आप लोग अमीबा में द्विखंडन यहाँ दिख रहा होगा आपको, इस तरह से यहाँ 2 हो गए, ठीक है? अलग अलग दोनों अलग अलग हो गए बिल्कुल। यहाँ लेस्मानिया में द्विखंडन देखिए यहाँ जाके अलग हो गए। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु लेस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर कौड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संसति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे आप लोग बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। हम क्रियाकलाप 8.1 में देख भी चुके हैं, ठीक है? ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन है, दिख रहा होगा। अब बात करते हैं खंडन, विखंडन तो देख लिए, खंडन भी देख लेते हैं। पहले क्रियाकलाप 8.4 को देखिए। किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हो, उसके कुछ जल एकत्रित कीजिए। एक स्लाइड पर 1 अथवा 2 तंतु रखिए। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप मैट से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगायरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नर जीव वृष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं? परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। क्या ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की
आवश्यकता होती है। किन्हें? बहुकोशिक जीवों को। बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक समान युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि, क्रम प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता भी हो। अब बात करते हैं पुनर पुनरुद्भवन या जिसे आप लोग पुनर्जनन भी कहते हैं। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने काय भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव विच्छेद हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप हाइड्रा ले सकते हैं या फिर प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों की यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। चित्र में देख भी रहे होंगे, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन भवन, ठीक है? कभी कभी उच्चारण में बड़ा वो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इस तरह से ये आपने काट दिया, ये आगे बढ़ गया। वहां माफ करिएगा कि वहां बता रहा था नहीं, जो मैंने बताया था कि कई जीवों को आप लोग क्या करते हैं, कई में काट देते हैं वो जिंदा, ये पुनर्जनन की बात कर रहा था मैं। लेकिन विखंडन की बात में आपने देखा है कि धीरे धीरे, जैसे बरगद है, आप लोग ले लीजिए, आप देखते हैं कि कई समय बाद ऐसा होता है कि बरगद की कई शाखा कई जड़ें निकलती हैं, उसके बाद अलग अलग पेड़ भी बन जाते हैं। तो उस तरह था ये। वो पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनर्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर समानता नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि हर जीव के साथ ऐसी क्रिया आप नहीं कर सकते हैं। फिर आपने सुना होगा मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। देखिए यह मुकुल ये बन रहा है, लास्ट में ये अलग हो जाएगा। हाइड्रा में यह आपको छोटा दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कायिक विवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक विवर्धन की तकनीकों का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। गन्ना को आप देखते हैं ना कि गन्ना का बीज आप लोगों ने देखा है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने देखा होगा। गुलाब का बीज आप लोगों ने देखा हो, देखिए वो अलग बात है कि आप लोगों ने फूल फल लगाएगा उसके बाद बीज आ जाएगा, वो छोड़िए, लेकिन आप लोग बोते किस तरह से हैं, आप गुलाब किस तरह से लगाते हैं, गन्ना किस तरह से लगाते हैं, उसके टुकड़े करते हैं वो आप लोग डाल देते हैं। कायिक विवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करके करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक विवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान भी होते हैं। इस क्रियाकलाप 8.5 को देख लीजिए। एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए, क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं? आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए, कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं हो। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। कलिका गर्त वाले टुकड़ों को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़ों को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाली परिवर्तन का निरीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। बिट कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे प्रवो या जड़ विकसित हो रही है? ये चित्र आपको 8.8 दिख रहा है, 8.5 यानी कि 8.5। कलिकाओं के साथ
बायोफिल्म की पत्ती। इस प्रकार बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे विकसित कर लेती हैं। क्रियाकलाप 8.6 को भी देख लीजिए। एक मनी प्लांट लीजिए, इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। दो पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों के एक सिरे का कुछ जल में डुबो कर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़ों में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकलती हैं, आप अपने पिक्चर से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप लोगों से एक बात पूछ सकता हूँ, मनी प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये किस लिए होता है, इसका लाभ क्या होता है? मुझे तो आज तक पता नहीं चला, क्योंकि पता है मेरे यहाँ लगा हुआ था, अभी भी है शायद। तो पता है जब भी कोई गांव तरफ से आता था, कोई महिला आती थी, जैसे कभी भी आ रही, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, त्योहार है, तो वो लोग क्या करते थे कि उसे ले जाते थे अपने यहाँ लगाने के लिए। कहते थे ऐसे, मैंने कई बार सुना है लोगों की मुझे भी, मनी प्लांट लगाने से पैसा बढ़ता है घर में। अरे जब आप मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से पैसा बढ़ेगा? क्या मनी प्लांट अपने आप गिराएगा पैसा? इस तरह के अंधविश्वास बहुत पाले जाते हैं हमारे समाज में। आप मेहनत मत करिए, आप कहां से लाएंगे पैसे? कोई भी पौधा लगा लीजिए, इससे क्या मतलब है? खैर छोड़िए, क्या कर सकते हैं। ऊतक संवर्धन भी देख लेते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीकी में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे की शीर्ष वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को केंद्रीय पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे हम लोग जिसे कैलस कहते हैं। कैलस कैलस की वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थिति में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अब बात करते हैं बीजाणु समा संघ के बारे में। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 8.2 में ब्रेड पर धागे की समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी, या राई जो पस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छे गोल संरचनाओं जन संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणु धानी है, जिसमें एक विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। चित्र इसमें दिख भी रहे हैं, राइजोपस में बीजाणु समासंग। जैसे आप लोग अपने ब्रेड में भी देखते होंगे, 1 से 2 दिन तक रखे रहिए, उसमें भी आपको दिखाई देगा। या बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। जीवाणुओं जीवाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर यह वह वृद्धि करने लगती है। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की है, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे आलैंगिक जनन कहते हैं। सीधा सा अर्थ अगर आपको समझना है आलैंगिक जनन का, तो इसमें यह समझिए आपको कि किसी दूसरे जीव की आपको जरूरी नहीं है, यानी कि मदा को फीमेल की और फीमेल को मदा की जरूरत नहीं है। एक तरह से एकल इसे ही कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? यानी कि मदा को आप कह सकते हैं कि यानी कि फीमेल को मेल की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक बार साइंस की क्लास चल रही थी, तो क्लोनिंग पढ़ाई जा रही थी, इसी तरह की बहुत भी यही क्लास है। देखिए मुझे लगता है सिविल सर्विस में आपके पूछे जाएंगे पेड़ पौधों से कम क्वेश्चन आएंगे। आपकी बायोलॉजी में आपका जो मानव विज्ञान है, ह्यूमन साइंस, उससे आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड हो, फिर चाहे आपका कोई बीमारी हो, श्वसन हो, आपका पाचन हो, पोषण हो, इसी से आपके क्वेश्चन अधिकतर आते हैं साइंस में, ठीक है? स्टेट पीसीएस में कोई भी ज्यादातर क्वेश्चन इसी से। तो साइंस की क्लास ले रहे थे सर, तो किसी ने क्लोनिंग पढ़ाई जा रही थी। क्लोनिंग का मतलब आप लोग सभी समझते होंगे कि एक पिति एक तरह से फोटो कॉपी, एक तरह से आप कह दीजिए, ठीक है? तो किसी लड़की ने पूछ लिया कि सर वो ऐसा संभव है कि बच्चे पैदा करने के लिए यानी कि पुरुषों की जरूरत ही ना पड़े? तो सर पहले हंसे, उन्होंने कहा कि इन बेचारे बच्चों का क्या होगा,
बड़ा मजा, मतलब एक तरह से मजाक करते हैं सर। तो आप सोचिए, अभी तक मानव में तो ये संभव नहीं है, ठीक है? कि देखिए आप लोग समझिए कि अंडाणु और शुक्राणु का अगर या तो देखिए आप लोग बाहर यानी कि प्रयोगशाला में आप लोग दोनों का निषेचन करवाएंगे, ठीक है? लेकिन इन दोनों का निषेचन होना जरूरी है, इसके बिना अभी तक तो संभव नहीं है। हो सकता है आगे कोई साइंस आए, हो सकता है कर दे, लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, ठीक है? ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं ऊपर आपकी, जो भी हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म किया है उसके। अब बात करते हैं लैंगिक जनन, ये आपके लिए बहुत से बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम जनन की उस विधि में भी विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो विष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। ना तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है, ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं? एक बात हमेशा याद रखिए कि देखिए इसमें मनुष्य कैटेगरी में आप देखिए क्या देखा है आप लोगों ने, अमीबा देखा है या कोई, आप देखिए गन्ना पौधे में आपने गन्ना देखा है, इसमें आप कह सकते हैं कि एक की जरूरत है। लेकिन आप देखिए गाय और बैल की देख लीजिए आप लोग, गाय इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने बछड़े को खुद पैदा कर ले, ठीक है? या बकरी, किसी भी को, आदमी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है? लैंगिक जनन प्रणाली क्यों है? आखिर इसकी बात करें, एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की पिटिकिटी बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए पिटिकिटी की तकनीक पूर्णता यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नताओं का स्रोत है। जीव की प्रत्येक विशिष्ट विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीसीज में की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्नताएं उस स्पीसीज की अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिससे अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो सके। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध परिशुद्ध अवस्था है जिसमें विभिन्नताएं अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के क्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्न विभिन्नताएं के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संकेत हो रहे होती रहती है। अतः समष्टि में दो जीवों में संकेत विभिन्नताओं के पैटर्न में भी काफी भिन्न होंगे, क्योंकि ये सभी विभिन्नताएं जीवित पृष्ठ में पाई जा सक रही हैं। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब फीमेल मेल दोनों का डीएनए आप देखते हैं बच्चों में, उन्हीं का डीएनए तो रहता है एक तरह से, ठीक? और आप समझिए कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आप लोग सोचिए कि अगर आप सोचिए मानव का बच्चा है तो बिल्कुल मानव जैसा देखेगा। एक बार अपवाद, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोचिए कि अपवाद हो जाता है तो वो तो जीन के कारण कुछ खराबी कुछ उसके प्रॉब्लम के कारण होता है। लेकिन सोचिए आप लोग कि ऐसा परिवर्तन होता होता कि हमारी नाक, हमारे दादा की नाक हमारे एक जगह थी, हमारे परदाताओं की, उसके बाद हमारी नाक थोड़ी मुंह के नीचे आ जाती, फिर हमारी नाक और यहाँ पेट के पास आ जाती, तो कितना अजीब होता कि परिवर्तन होता रहता। लेकिन आप देखते हैं कि ज्यादा कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। हाँ आपकी शक्ल का हो सकता है परिवर्तन हो जाए, ऊंचाई नीचाई का हो जाए, लेकिन आप सोचें कि आपकी व्यवस्थित तरीके से जो हाथ जहाँ है, आपकी नाक जहाँ है, कान जहाँ है, मुंह जहाँ है, आंखें जहाँ है, वही है, ठीक है? और तो इसे आप लोग उस तरह से देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि भिन्नताएं होती हैं विभिन्न भिन्नताएं, अगर इस तरह से मानव में भी विभिन्नताएं होती तो क्या होता, क्या छोड़िए, ठीक है? परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा
पूर्ण पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिका संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं? हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपयुक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा कि जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीवों की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जायगोट बनाती है। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या तथा डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। जायगोट आप लोग सुन रहा होगा। यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीवों में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडारण भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्राय दो जनन कोशिकाएं युग्मक की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है तो जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडारण भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षा की छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम लोग मदा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मक को के सहजन को सर्जन की आवश्यकता से ने नर एवं मदा वृष्टियों जनकों में विभेद उत्पन्न किया है। कुछ जीवों में नर एवं मदा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। अब बात करते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आप ये मत कहिए कि आप कहेंगे जीवों में ही ये संभव है, लेकिन आपको ये पौधों में भी लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्पों में पुष्प में अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों में विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, बाह्य दल, दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं, जिसमें जनन कोशिकाएं होती हैं और पंखुड़ी और बाह्य दल के क्या कार हो सकते हैं यहाँ देख लीजिए आप लोग। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, ये अंडाशय हो गया, दिख रहा है आपको, ये बाह्य दल हो गया, ये आपका दल पंखुड़ी हो गई, ये आपको दिख रहा होगा परागकोष यानी कि तंतु हो गया, ये तंतु, ये परागकोष, ये वर्तिकाग, ये आपका वर्तिका, स्त्री केसर, ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं। पपीता, तरबूज आपके एकलिंगी है। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, सरसों हो गया। ये जरूर पूछ लेता है कई बार आपका प्रीलिम्स में कि पपीता तरबूज कैसा है, एकलिंगी है उभयलिंगी है, तो आप लोगों को बताना होता है, ठीक है। तो इन्हें याद रखिए, पुंकेसर नर जननांग जो परागकण बनाते हैं, परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं, और आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर के पुष्प केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मदा जननांग है। यह तीन भागों से बना होता है, आधार पर उभरा भाग अंडाशय कहलाता है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका कहलाता है और शीर्ष भाग वर्तिकाग कहलाता है, जो भरा चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं और तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका मदा युग्मक से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं की इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिससे नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागकण को पुंकेसर से वर्तिकाग तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है, परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम लोग परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न भी होता है।
अब बात करते हैं परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है, वर्तिकाग से होते हुए बीजेंड बीजांड तक पहुंचती है। इस तरह से परागकण वर्तिकाग या आपको नर युग्मक, पराग नली, अंडाशय, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ मादा युग्मक इस तरह से पहुंच रहा है। ठीक है, निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता में से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्य दल पंखुड़ी, पुंकेश और वर्तिकाग एवं वर्तिकाग पराग मुरझा कर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए कि बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ होता है। बीजों में भावी पौधे अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग अंकुरण कहते हैं, यानी कि जमना कहते हैं। क्रियाकलाप 8.7 को भी पढ़ लीजिए। चने के कुछ बीजों को एक रात जल में भिगो दीजिए। अधिक जल को फेंक दीजिए और भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। ढककर एक दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं। बीजों को सावधानी से खोलिए और उनके विभिन्न भागों का परीक्षण कीजिए। आपने परीक्षण की तुलना में 8.9 से कीजिए कि आप भागों का पहचान कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कह रहा हूं, ये आपका पांकुर भावी प्रो मूला मूलांकुर भावी जड़। एक तरह से आप लोग इसे तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में चर्या में देखते होंगे चने को। तो देखिए इस तरह। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए, मानव में लैंगिक जनन। अब तक हम विभिन्न स्पीसीज में जन्म की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा कर रहे हैं। आइए अब हम उस स्पीसीज के विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। यह विक्रम किस प्रकार कार्य करता है, यानी कि लैंगिक कहने का मतलब है कि इसमें दो विपरीत यानी कि मादा और एक तरह से फीमेल मेल का दोनों का योगदान होता है। जब स्थूल रूप से एक असमय बिंदु से प्रारंभ करती है। हम सभी जानते हैं कि वायु के आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा में 8वीं में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में पढ़ा था। कक्षा 1 से 10वीं तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई भार बढ़ जाता है। हमारे दांत तो गिर जाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक नए सामान के क्रम में वृद्धि समूहबद्ध कर सकते हैं जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है, परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है, जबकि शारीरिक सोठाव भी बदल जाता है। शारीरिक कर्मात बदलता है और नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। चलिए आगे, पहले हम लोग इसे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक ऐसे मतलब एक आप कहिए कि जिसे आप लोग बड़े मतलब पूरी तरह से नकार देंगे, पुरानी परंपरा जो भी आपको कहना है कि एक तरह से आप लोग गलत ठहराना। चलिए देखते हैं, पहले इसे भी खत्म कर लें। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों में जैसे कि आंख एवं जांघों के मध्य जन नांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर हाथ चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है, कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। मुहासे निकलते हैं तो आप लोग जानते होंगे, कहते हैं कि जवानी आ चुकी है आपकी। दूसरी ओर कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने मासिक चक्र होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है, उनकी आवाज फटने लगती है। साथ ही द्वासोपन अथवा रात्रि में सेशन भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता में से पूर्ण भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इस सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। जैसे कि हमारे नाक नक्शे अलग अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न स्तन
अथवा श्वसन की आकृति एवं आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं आपके। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है, तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस प्रकार हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस क्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनावरण यौनारंभ कहा जाता है। अतः वे सभी परिवर्तन जिनने की हमने चर्चा की है जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंधित है। हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो विभिन्न भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलग्न। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें। यौनावरण में की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। इसमें देखिए आप लोगों को मुझे नहीं लगता कुछ समझाने लायक है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए श्वसन के उद होने की क्षमता स्तनधारियों जैसे कि मानवों में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है तथा जन्म उपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए नर के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में और जानें। सबसे पहले हम जानते हैं नर जनन तंत्र। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। एक बात आप लोगों से पूछना है, आप देखते हैं कि किसी बेटी हो रही है यानी कि लड़की हो रही है या फिर लड़का हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए वो आप लोग उस मान्यता को मत मानिए कि समाज में क्या माना जाता है, लेकिन असल में इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पिता या माता? ये आप लोग सोचिए और लिखिए। लास्ट में आप लोग इस पर थोड़ी और बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा है समाज में किस तरह से भेदभाव किया जाता है वो आप देखते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वेषण में होता है या उदर गुहा की बाहर वेषण कोष में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण वेषण की भूमिका की हम चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावरम की लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। याद रखिए कि कई बार पूछ लेता है टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन किन लोगों में उत्पन्न होता है, महिला या पुरुष में? तो पुरुष में, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा चित्त मानव नर का नर जनन तंत्र, तो इसमें आप शुक्राणु हो गया, मूत्र नलिका हो गई, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मूत्राशय, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, ये आपको दिखाई देगी, इससे सन ए मूत्रमार्ग, ठीक है। ए वेषण कोष शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्राणु यहीं से निकलता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़े कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभर मार्ग हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपनी स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह रसा उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है। उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता भी करती है। अब बात कर लेते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं।
8.11 को ध्यानपूर्वक देखिए और मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। ए मानव का मादा जनन तंत्र है, योनि, इसके बाद गीवा, गर्भाशय, अंडाशय, ये आपका अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसे आप लोग, इसे देखिए अंडवाहिका भी कहते हैं, ठीक है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, योनावरम में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फिलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना निकाल निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय गीवा द्वारा योनि में खुलता है। मिथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंडकोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिका की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भाशय गर्भधारण उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को गैंड करके करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, यानी कि आपका कहने का मतलब है जो भी भ्रूण की आपकी जरूरतें होंगी वो माँ के पोषण से ही मिलेगी। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर ऊतक के प्रवर्ध होते हैं, माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जहाँ प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, और यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बेहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण होता है द्वारा माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 महीने या 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। आप सोचिए कि पूरी प्रक्रिया कितनी व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। जो बच्चा भूड़ है वो खुश, देखिए उसे भी पोषक तत्वों में यानी कि खनिजों की पोषक तत्वों की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की, वो भी अपशिष्ट छोड़ेगा, तो पूरी व्यवस्था है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। यदि अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का अनुमोचन करता है, अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है, अतः इसकी अंतर्भित्ति मसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता रहती है, अतः यह पर धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रोधी एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है और इसे ऋतुमास या फिर रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि की बात करें तो लगभग आपको 2 से 8 दिन की देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जनन स्वास्थ्य। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता एक केमिक विक्रम है तथा यह उस समय होती है जब शारीरिक वृद्धि होती रहती है, अतः किसी सीमा आंतरिक रूप से तथा लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग हो गए। यदि यह निर्णय किसी प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व की योग हो गया है, तो इस विषय पर हम सभी पर किसी ना किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या न चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल भी हो सकता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हम सोचना चाहिए। हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में बिगाड़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया या सेफलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे मस्सा और HIV एड्स शामिल होते हैं। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों की संचरण का निरोध संभव है? श्वसन के लिए आवरण अथवा नोम के प्रयोग से इसमें से अनेक रोगों का कि संचरण का कुछ सीमा तक निरोध यानी कि संभव रोका भी जा सकता है। लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है।
गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है, एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है, जिसमें शुक्राणु अंडकोशिका तक ना पहुंच सके। सिसम को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका आप देखेंगे, ये शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है, जिसे अंड का मोचन ही नहीं होता है, अतः निषेचन नहीं हो सकता है। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है, अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां, जैसे कि लूप अथवा कॉपर टीबी, आप लोगों ने सुना हुआ, को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। इसमें कॉपर टी में क्या रहता है कि शुक्राणु को एक खत्म कर देती है, ठीक है, और शुक्राणु और अंडाणु का मेल नहीं हो पाता है, निषेचन नहीं हो पाता है। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फिलोपियन नालिका को अवरोध कर दिया जाए, यानी कि रोक दिया जाए, अंडडिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। ऑपरेशन सुनते हैं आप लोग, उसी की बात कर रहा हूं। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है, और इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसे गैरकानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा सकता है। इसे आप देखते भी होंगे कि लड़कियों के लिए एक तरह से उनके लिए खत्म करने के लिए, हटाने के लिए इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है, हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मर्दा भ्रूण का निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय भी बना हुआ है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि ये विधियां किस लिए आई थी, सुविधा के लिए, कि एक मतलब कोई भी अगर बच्चा गर्भ में तो उसके बारे में मालूम चल सके कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, यानी उसमें कोई कमी तो नहीं, उसे ठीक किया जा सके। लेकिन इसका हम लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसमें हम लड़कियों का पता लगा कि उनका मतलब एक तरह से निर्मम हत्या, भ्रूण हत्या कर देते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लिंगानुपात में असमानता देखी जाती है, और ये क्षेत्र में कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ अनपढ़ क्षेत्र होंगे। वरना आप देखिए कि केरल में आपको ठीक देखेगा लिंगानुपात, वहीं आप बिहार देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, और आप खुद सोचिए कि आप ठीक है, आप लड़का चाहते हैं, ठीक है, अगर सब यही सोचने लगी तो क्या स्थिति बनेगी, इसे भी आप लोग बेहतर देख सकते हैं। हमने पहले देखा है कि जनन एक ऐसा विक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन के स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारक की पहचान कर सकते हैं? ये आपके क्वेश्चन इसी से संबंधित हैं। आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? सीधा सा पढ़ने का मतलब है इतना आप लोगों को जानना है। अन्य जैव प्रक्रियाओं के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण अथवा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उसके शारीरिक अभिकल्पन पर निर्भर करती है। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग से पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं। इनमें कुछ मुकुल भी उभर कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। उपयुक्त आलिंगिक जनन के उदाहरण जिसमें संतति की उत्पत्ति एक एकल जीव वृष्टि द्वारा होती है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं, फीमेल मेल। डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो स्पीसीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में पराग कर्ण, पराग कोष,
से स्त्री के स्तर की वर्तिका तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम लोग पराग कण गण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। यौन आरंभ में शरीर के अनेक परिवर्तन होता है, उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तनपात का विकास, स्तन का विकास और लड़कों के चेहरे पर नए बाल का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह हैं। एक तरह से मानव में नर जनन तंत्र में वेषण, शुक्राणु वाहिनी, शुक्राशय, पुस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और श्वसन होते हैं। वेषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय, योनि आरंभ, योनि पाई जाती है। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन डिंब वाहिनी में होता है। गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भधारण रोका जा सकता है। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर टी, अन्य युक्तियां इसके उदाहरण हो सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन दिए गए, इसलिए इनसे क्वेश्चन आपके इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि आप देखेंगे, आप देखिए, आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस में जा रहे हैं, एक समाज का नेतृत्व करने जा रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? तो कम से कम इतनी जानकारी तो होना चाहिए, जिस समाज में आप जा रहे हैं कोई बीमारी फैली हुई है या किसी बारे में आपको जागरूक करना है, आप जनसंख्या के बारे में आपको जागरूक करना है या किसी बीमारी के बारे में आपको जागरूक करना है, तो आपको उन्हें समझाना होगा कि आप लोग इन उपकरणों का उपयोग करिए। आप लोगों को एक तरह से समझाना होगा, जनसंख्या को रोकने के लिए भी इन उपकरणों का प्रयोग करिए, ठीक है? ये आपके अभ्यास है, वरना आप देखते थे पहले लोग 10-10 पैदा कर लेते थे बच्चे, आज आप देख रहे हैं काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा रहा है। तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस दिए गए हैं, और याद रखिए आपकी सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग बहुत जल्दी इसे खत्म करने पड़ गए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि सिविल सर्विस हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं आपके, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। चलिए, तो ये आपका 8वां चैप्टर था। 9वें चैप्टर में हम बात करते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में।